और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो पानी जो होता है ना अपना पूरा जीवन पेड़ को बड़ा करने में लगा देता है। मतलब जो पानी होता है वो अपना पूरा जीवन दे देता है पेड़ को बड़ा करने में। इसीलिए जो पेड़ की जो लकड़ी है वो कभी पानी में डूबती नहीं। ऐसा ही सिद्धांत माँ बाप का होता है कि वो अपना पूरा जीवन अपनी पूरी कमाई बच्चों को पढ़ाने में लिखाने में उनके सर्विस लगाने में या किसी भी चीज़ में वो अपना पूरा लगा देते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाते, हमेशा हमारा साथ देते। जैसे लकड़ी जो है वो डूबती नहीं पानी में, पानी हमेशा उसका साथ देता है क्योंकि उसने पढ़ा किया उसको, उसके ने पूरा अपना जीवन अर्पण किया उसके लिए। ऐसे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जीवन अर्पण किया है तो उसका मतलब हो जाता है कि भैया जो आपके साथ उन्होंने किया है तो आप भी कुछ अच्छा करें। ऐसा ना सोचें माँ बाप ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर समय आपका दोस्त हो, आपके फ्रेंड हो, आपके गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड, आपका कोई साथ नहीं देगा सिवाय माँ बाप के। तो हमेशा याद रखिएगा आपको उन्हीं के साथ रहना है। उनको ये नहीं कहिएगा कि आपने हमारे लिए किया, कि मैं बार बार पे कहता हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव होते जा रहे हो, इतने एक्टिव होते जा रहे हैं कि माँ बाप को भूलते जा रहे हैं और हमेशा यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। कभी उनकी जगह पे हो गया आप, जब आपको पता चलेगा उन्होंने आपके लिए क्या किया और आप अपने बच्चों के लिए क्या करोगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटा सा मोटिवेशन मैं आपको करना चाह रहा था कि बहुत सारी समस्याएं आती मेरे सामने यही कि बच्चे माँ बाप को गालियाँ देते हैं, क्या किया, उनकी बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है।